नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध तेज है। असम की हिंसा शांत हुई भी नहीं थी कि देश के दिल्ली में कल आग भड़क गई। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया, कई बसें आके हवाले कर दी गई। मामला तूल पकड़ता गया और सियासत तेज होती गई। प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर धरना दिया और कहा कि देश में लोकतंत्र है या तानाशाही। वहीं ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में कानून लागू करने के लिए उनकी लाश पर से गुजरना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल सियासी फायदे के लिए अफवाह फैला रहे हैं, तो सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक एक्ट पर हो रहा है जगह जगह अलग अलग रिएक्ट। कंडेम करते हैं उनको, चिंता का विषय है। बिना मतलब के इन्होंने आग लगा दी पूरे मुल्क के अंदर अपनी जेब मिटाने के लिए, क्योंकि ये फेल हो गए आसाम के अंदर। मेरा आरोप है कि आसाम में जो फेल हुए ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आसाम में खुद की गवर्नमेंट है या लागू नहीं कर पा रहे हैं, मैं पूरे देश में लागू करूँगा। मैं बार बार बोल रहे हैं अमित शाह जी, देश में खतरनाक खेल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ देश को कह लिया है, उनके सरासल जमीन तैयार की जा रही है। इसलिए एक के बाद एक एजेंडा इकोनॉमी का होना चाहिए पहला देश के लिए। उस पर डिपेंड करती सब बातें, देश डिपेंड करता है इकोनॉमी पर। मैं लोग भूखे मरने लगा हूँ। देखिए सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हमने बार बार कहा है, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के पहनावे से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या लिबास करा देगा हुड़दंगियों की पहचान? क्या एक कानून से बिखर जाएगा संविधान? सियासी राह पर देश क्यों दो राह चल रहा है? क्या सच में हिंदू राष्ट्र बन रहा हिंदुस्तान? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े बेहद खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू कराते हैं आपको। एबीबीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर जोगिंदर सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं, एनएसयूआई नेता राकेश मीणा जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, साथ ही कानूनविद सीबीआई और भारत सरकार के एडवोकेट संजय महला जी हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी, आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। संदीप जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह से सीए को लेकर ये विरोध है, कॉलेज से शुरू होता है, असम से शुरू होता है, आग दिल्ली तक पहुंचती है, एक एक करके कॉलेज छात्रों में यहां पर हिंसक हो जाते हैं और कितनी ज्यादा हिंसा भड़कती है, लेकिन इसे समझे कैसे? क्या ये राजनीति है? क्या दिल्ली के चुनाव की सरगर्मी है या फिर इसका फायदा किसी और वजह से उठाया जा रहा है? कैसे देखें इसे? श्वेता जी, आपने एक चीज का ध्यान किया होगा, अभी जो सैटरडे वाले दिन दिल्ली में एक रैली की कांग्रेस पार्टी ने, उसको उस रैली के पहले आपने देखा धारा 370 का बहुत बड़ी चीज थी, वो धारा हटाई गई, देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। एक राम मंदिर का था जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान तैयार था, डर था कि देश में दंगे हो सकते हैं, देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन 14 तारीख की ये रैली सैटरडे को जो कांग्रेस की हुई, इसके बाद कहीं ना कहीं वो हवा देने का काम किया तो देश में दंगे होने लगे। और उसके साथ एक आम आदमी पार्टी के विधायक है दिल्ली में, अमानतुल्ला, आप उनका वीडियो यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोग जो मोटिवेशन का काम किया है, घी में आग में घी डालने का काम किया है, उसके बाद ये चीजें देखने को मिली है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। और बिल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, उकसावे के अलावा कुछ भी नहीं है बिल में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो देश के किसी हिंदू के खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ हो या हमारे भाईचारे को बांटने वाली चीज हो। तो ये मैं मानता हूं कि पूरे तरीके से पॉलिटिकली इसको उखाड़ा गया है पूरे तरीके से। और इसमें दिल्ली का चुनाव भी है। और एक राजनीतिक अगर पॉइंट पे आपको मैं ध्यान खींच के ले जाऊं तो सबसे बड़ी चीज ये है
कि इस चीज में आपने देखा होगा ओवैसी ने भी भरपूर अपना योगदान दिया इस चीज को उभारने में, मुस्लिम्स को उकसाने में। ठीक है संदीप जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पहलू हैं, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ी बड़ी चीजें जिसको लेकर डर था हिंसा हो सकती है उसमें कुछ नहीं हुआ, और इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर जरूर यहां पर हिंसा इतनी ज्यादा भड़क रही है, और इसलिए चर्चा का विषय भी ये है। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जोगिंदर सिंह जी, बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की पृष्ठभूमि ये तैयार कर रहे हैं, और इसलिए आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। श्वेता जी, स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम लोग केवल मात्र, मेरे दो ही सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये कि क्या जिस विश्वविद्यालय में यह हुदड़ंग हो रहा है, जिस विश्वविद्यालय की छात्र ये कर रहे हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? अगर वो भारत के नागरिक है तो फिर किस बात का हुदड़ंग है? नंबर दो, पूरे देश भर में जिस तरह का वातावरण खड़ा हुआ है, कौन कौन सी हिंदू छुट्टियां, जब देश में इतनी सारी हिंदू छुट्टियां हैं तो कुछ चुनिंदा हिंदू छुट्टियों में ये काम क्यों हो रहा है? और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जो दिल्ली में जो परिवार बचाओ रैली हुई है उसके बाद से पूरे देश भर में ऐसा वातावरण खड़े करने की योजना कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की है, और तीन दिन से आप देख रहे हो वहां जब वृंदा कराज जैसे लोग पहुंचते हैं और जिस तरह से पूरे देश भर में वातावरण खड़ा हुआ है, इसमें पूरे देश इसके सामने, देश के सामने सारे लोग नंगे हो गए हैं और देश समझ रहा है कि कौन लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग चाह रहे हैं कि इस देश में किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान दंगा भड़के। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। चलिए ठीक है, राकेश मीणा जी इस पर क्या कहेंगे? भारत बचाओ रैली के बाद ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं, जिन चीजों को लेकर लग रहा था बड़ी बड़ी फैसले यहां पर हुए उस पर लोगों को लग रहा था कि देश में कुछ हो सकता है, तब सब शांति थी, अब अचानक से असम की हिंसा दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली से दूसरे जगह भी, हम अगर लखनऊ की बात कर ले, हैदराबाद की बात कर ले, बैंगलोर की बात कर ले, हर जगह कॉलेजों में इस तरह से हिंसा हो रही है, विरोध में छात्र क्यों आ रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से जब 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनेक ऐसे वादे इस देश की जनता के साथ कर दिया जो निश्चित रूप से वो कहीं भी उनको पूरा नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे देश की जनता और देश का जो युवा इस बात को समझ रहा है, सारी चीज़ें सोच समझ रहा है, किस तरीके से जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे देश से या जो ऐसी भावनात्मक जो मुद्दे हैं वो कहीं जोड़ दिए जाते हैं, निश्चित रूप से उनमें चुनाव का फायदा लिया जाता है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है। इन लोगों को बाकायदा ये सीख दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ, किस तरीके से चुनाव में उन सब चीज़ों का फायदा उठाया जाए। कांग्रेस की ये भावना नहीं है, कांग्रेस ने इस देश को हमेशा एकजुट रखा है, इस देश में तिरंगे की जो भावना है, इस देश में हर जाति धर्म, ये जो देश है एक फूलों का गुलदस्ता है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें कांग्रेस छात्रों के साथ है। देखिए निश्चित रूप से क्योंकि जो बयान आ रहे हैं प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी हैं उनके साथ कि ये जो जामिया में घुसकर इस तरह से मारपीट की गई है, इस तरह से जख्मी छात्रों को किया गया, वो गलत है। निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की, जिस तरीके से छात्र जहाँ पे हम न्यूज के माध्यम से देखें या हमें जिस तरीके से पता चला है किस तरीके छात्रों को घुसकर लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जो पुलिस छात्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपने भी जिक्र किया पुलिस ने बर्बरतापूर्ण यहाँ पर कार्रवाई की। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आरपीएस हैं। योगेंद्र जी, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं और ऐसी तस्वीरें आपने पहले भी देखी होगी, देश भर में कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो हुआ ऐसे में सवाल जामिया में जो हुआ उस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि गलती किसकी है, पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो? देखिए श्वेता जी, 10-15 सालों से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह यूनिवर्सिटी केंद्र बना लिए हैं। आप देखेंगे कि दोनों पार्टी हो या तीन पार्टियां हो, इनके सबके नुमाइंदे ये क्या करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज को इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को बरगला के अपनी अपनी पार्टी की तरफ खींचते हैं, और जब संसद में या विधानसभा में इन पार्टियों के विरोधी जब वो देखते हैं कि साहब हमारी पार्टी का कहना नहीं माना जा रहा, या देश के अंदर इस तरह के कानून बना दिए जाते हैं चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो दूसरा पक्ष क्या करता है, जब वहां लोकसभा में या विधानसभा में हार जाता है तो वो क्या करता है, नागरिक उनके साथ जुड़ते नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, ये अपने पार्टी से जो संबंधित स्टूडेंट्स होते हैं उनको बरगलाते हैं, उनको बरगला के ये बाहर सड़क पर लाते हैं, और लाने के बाद क्या करते हैं, ये पुलिस के साथ पत्थरबाजी कराते हैं, पुलिस को प्रोवोक करते हैं,
और फिर उसके बाद में आगजनी करते हैं। इससे फायदा किसको है? अगर ऐसा किया जा रहा है किसको फायदा है? इतना हिंसक हो गया माहौल, राजधानी यहाँ पर जल रही है, यहाँ पर बसों में आग लगाई जाती है। इसमें फायदा नहीं देखना है, इसमें तो ये देख रहे हैं ये कि देश के अंदर कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाए, कितनी ज्यादा अराजकता फैल जाए देश के अंदर, ये तो ये चाहते हैं। आप देखो गाड़ियां जला दी, मोटरसाइकिलें जला दी और नाम लेते हैं पुलिस का। अरे भाई, पुलिस अगर कानून व्यवस्था नहीं बनाती तो पुलिस मरती है, पुलिस अगर एक्शन लेती है तो पुलिस मरती है। मुझे बताओ किस कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में नहीं जाएगी? किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है। इन लोगों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को बरगला के सड़कों पर इस प्रकार के व्यवहार कराया है, नागरिकों के वाहन जलाए हैं, पब्लिक के अंदर अशांति फैलाई है। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां इस देश के नागरिकों में जो पैदा कर रही हैं, ये वो है। काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। चलिए जोगेंद्र जी, आइए, आपने बात कही, आपने कहा कि ये अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां ये सब कुछ कर रही हैं, बरगलाए स्टूडेंट्स को जाते हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जब हिंसक यहाँ पर छात्र हो जाते हैं, और ऐसी तस्वीर जो कि पूरा देश देखना नहीं चाहता है, मजबूरी में देखना पड़ रहा है। उम्मीद सब ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर शांति हो जाए। संजय महला जी, सर ये कानून बनता है, कानून बनने के बाद आखिर इतना विरोध किस लिए हो रहा है? क्या लोग समझ नहीं पा रहे कि कानून क्या है? क्योंकि कई ऐसे मामले और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि उन्हें पता नहीं है कि कानून क्या है और विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए। श्वेता जी, जो कल की जो घटना हुई है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कैब को लेकर, ये बहुत ही वाकई में देखा जाए पूरे देश को झकझोरने वाली घटना है। निस्संदेह हर वर्ग हर तबका इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ने का स्थान है, वहाँ पर जिस तरीके से छात्रों ने इस मुद्दे को लेके जो हिंसात्मक रवैया अपनाया और उसके बाद के अंदर पुलिस की तरफ से जो बल प्रदर्शन करने के जो आरोप लगे हैं, तो ये दोनों ही बातें कतई अप्रिशिएबल नहीं है। स्टूडेंट्स को भी एक तरह से देखा जाए तो शांति बनाए रखनी चाहिए थी, और ये कानून की बात है, संसद के द्वारा पारित कानून है, इसके और मसले ही जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील की जा सकती थी और इसको चुनौती दी जा सकती थी। कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, और अगर पुलिस को भी वहाँ पर जाना था तो वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वीसी साहब, उनका यह कहना था कि हमको विश्वास में नहीं लिया। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस के पास है, और कल जो वाकई में जिस तरीके से हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ है, दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, वो तो वाकई में देखने अब निंदनीय है। लेकिन अब स्थिति यह है कि इस पर इस माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उसके लिए यह कि पॉलिटिकल पार्टीज को सभी को और इस पर शांति बनाए रखने चाहिए, किसी प्रकार की स्टेटमेंट या बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही सब हो रहा है, वही हो रहा है, वही सब रहा है, वही रहा है। संदीप जी, एक अहम बात है, भीड़ को किसी मजहब से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? हमेशा हिंदू मुस्लिम में क्यों आ जाती है कोई भी लड़ाई? अगर ये एक्ट बना है, इस एक्ट को कितने लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इसमें बदलाव भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में, तो बेहतर ये है कि अगर इसे समझा जाए, इसके बाद क्या कुछ अपनी राय है वो रखी जाए, लेकिन यहाँ पर भीड़ को भी मजहब से जोड़ा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, समझने वाली बात है, जो सियासी दल इसमें इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहता हूं कि सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है, सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। आप इसमें श्वेता जी एक चीज नोट कीजिए कि एक तरफ कन्हैया कुमार नेतृत्व दे रहा है संगठन को, उसका वोट बैंक जो वो समझता है कि मेरा वोट बैंक मुस्लिम है वो हाथ से ना निकल जाए, एक तरफ इसके को नेतृत्व दे रहा है ओवैसी, वो ये समझता है कि मुस्लिम को मुझे जोड़ के रखना है। आम आदमी ने अपने जो अमानतुल्लाह है उसको आगे कर दिया, आपने देखा होगा उसने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम में जो वोट बैंक है उसको हम संभाल ले। और कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली में रैली की और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस चीज को पूरा समर्थन दिया जा रहा है, सबका फोकस जो राजनीतिक दल है उन्हें इस बात से मतलब नहीं है नियम क्या है, कायदा कानून क्या है और ये बिल क्या है, उनको मतलब है आने वाले चुनाव से और मुस्लिम वोट बैंक से। तो इसलिए ये दंगा कराया जा रहा है कि पिछले 5 साल शांति से कैसे निकल गए और अब रोजाना कोई ना कोई बड़े से बड़ा बिल आता है जिनको बहुत बड़ा मुद्दा समझा जाता था वो चुटकियों में हल हो जाता है। चलिए संदीप जी, यानी जानबूझकर शांति ना रहे अपने फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जोगेंद्र जी और राकेश मीणा जी, आप दोनों से ही एक सवाल, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, अपने फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सवालों में राजनीतिक पार्टियां यहां पर हैं, तो ऐसे में जोगेंद्र सिंह जी, कौन है जो भावनाएं भड़का रहा है आमजन की, खासतौर से इन युवाओं की, छात्रों की?
पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम देश में हो रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। हाँ। और इस सरकार के आने से पहले मोदी जी की सरकार से पहले भी पिछली बार जब जेएनयू के अंदर जो प्रकरण हुआ उसको भी पूरे देश ने देखा। उस समय राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, ये पूरे देश ने देखा। और आज प्रियंका जी पहुंची, ये भी पूरे देश ने देखा है। पूरे देश के सामने तस्वीर साफ है कि कौन युवाओं को भड़का रहा है, कौन अपनी राजनीतिक रोटी। यानी आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं राकेश मीणा जी, सीधे इनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। जो भी इस देश में जिस तरीके से किसी पे भी अत्याचार होगा और इसके लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उसके लिए सड़कों पे आएगा, निश्चित रूप से आवाज़ बुलंद करेंगे। और कांग्रेस की विचारधारा है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। इस देश में सभी लोग, भाईचारा कायम रहेगा, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, तभी इस देश की उन्नति संभव है। कांग्रेस के नेता घायल लोगों से भी तो मिलने जा सकते थे ना। देखिए कांग्रेस के नेता, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस समय राहुल गांधी जेएनयू में गया था, किस तरीके से, किस समय कहां जाना चाहिए पुलिस ने, ये कार्रवाई की क्या धर्म के नाम पे हम छात्रों के साथ भेदभाव करेंगे, क्या धर्म के नाम पे हम छात्रों के साथ भेदभाव करेंगे, किसी व्यक्ति धर्म बताइए ना, बोलिए कौन सा धर्म, विशेष के धर्म के नाम पे, किस धर्म के साथ नाराघात हो रहा है, कौन से धर्म के साथ नाराघात हो रहा है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक बात राकेश मीणा जी बात सुनिए, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कही कि धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, असम में ये सफल नहीं हुए इसलिए आग लगा रहे हैं, ये आज मुख्यमंत्री ने कहा। निश्चित रूप से आज इनके कौन से धर्म के नाम, निश्चित रूप से आज ये लोग जिस तरीके से राजनीतिक फायदा इस कैब का जिस तरीके से उठाना चाहते थे, निश्चित रूप से इनको ये फायदा नहीं मिला। मैं भी स्पष्ट करें ना, कौन सा फायदा, किस तरह का फायदा चाहते हैं, कौन से हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में दंगे भड़काना चाहते हो, एक ही धर्म रहेगा, कौन से मुसलमान है जो देश का नागरिक नहीं मान रहे कानून, ऐसे मुसलमान कौन है, और इस कानून का अध्ययन करें कांग्रेस के लोग, लेकिन कांग्रेस के लोग अध्ययन करें कानून का, चलिए ठीक है ये आप बोल रहे हैं सर, हम संजय मेहला जी से इस पर रिएक्शन ले। संजय जी, जो देश के नागरिक है उनको कोई खतरा नहीं है, जो है उनको कोई खतरा नहीं है, फिर इस तरह का विरोध किस बात को लेकर हो रहा है? दूसरे देशों की बात की जा रही है कि अगर वो आना चाहे, कुछ धर्म है जिनको लेकर कहा जा रहा है, कुछ उसके नियम है कि 6 साल रहना होगा, इन अगर पूरे एक्ट को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर है, विरोध अचानक से किस बात को लेकर हो रहा है? क्या आपको लगता है जो लोग रह रहे हैं उन्हें कोई खतरा है? श्वेता जी, अपना जो भारत का जो संविधान है वो जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, और जब ये संविधान का जो निर्माण किया गया था उस वक्त सारी दुनिया के राष्ट्रों के संविधानों से उनके अध्ययन के बाद के अंदर यह हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का निर्माण किया, और इस संविधान के अंदर पूरे देश के अंदर जाति, प्रथा, समाज, धर्म, इन सब को बराबर माना गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई कानून बनता है जिसका अभी हाल ही के अंदर केब का नाम दिया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसको लेके अब छात्रों को जो एक्ट बन चुका है, अगर इसमें कहीं किसी को अगर कोई कमी या उसकी कोई दुर्भावना नजर आ रही थी तो उसके कानूनी उपचार हैं, अदालतें हैं, तो इनका जो सही उपयोग करना चाहिए। अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है यहाँ पर, जरूर योगेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस पर हिंसा फैलाने का आरोप है, कितना सच आप इसे मानते हैं? देखिए श्वेता जी, दिल्ली पुलिस हिंसा क्यों फैलाएगी भाई? वो तो जब आगजनी हो रही है तब एक्शन ले रही है, अगर आगजनी होने के बाद भी दिल्ली पुलिस देखती रहे तो फिर काय की पुलिस है वो? बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि फिर आरोप पुलिस को क्यों घेरा जा रहा है? पुलिस को क्यों सवाल उठा रहे हैं ये सब? ये पार्टियां अपने हिसाब से, अगर कोई बाल्टी या पानी डाल रहा है उसके अंदर गाड़ी में, तो पुलिस पेट्रोल क्यों डालेगी, पुलिस आग क्यों लगाएगी? ये तो क्या है, ये राजनीतिक पार्टियां खुद लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ सकती हैं, ये इतनी कमजोर हो गई हैं, ये लड़ने के लिए खुद मैदान में आए और फिर करें वो विरोध, तब पब्लिक इनको बताए। ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते हैं और स्टूडेंट्स को सड़क के ऊपर लेके आते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी इन राजनीतिक पार्टियों की है, इनको जब अपनी बात मनवानी होती है तो ये स्टूडेंट्स को साथ लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की पार्टी हो। आप देखिए जेएनयू में देख लीजिए, आप इसमें डीयू में देख लीजिए, आप मौलाना आजाद हैदराबाद हो गया, जामिया हो गया, बिल्कुल एक के बाद एक यूनिवर्सिटी अंदर यही स्थिति है। बिल्कुल, सबकी सब यूनिवर्सिटीज में। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर उपद्रव ना रोक पाने में किसकी नाकामी मानी जाएगी, योगेंद्र जी किसकी नाकामी मानी जाएगी?
रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, समझा नहीं पा रहे हैं, शांत नहीं कर पा रहे किसी को। श्वेता जी, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम आम जनता के बीच में इसको बिल्कुल लेकर के गई है पार्टी, लेकिन जिस तरह से वहाँ का यूथ जो पढ़ाई में लगा हुआ है उसको बरगला करके, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसके वहाँ की यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने कहा कि पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि इस तरह के कानून से पूरे देश को और हमारे को खतरा हो सकता है, और दूसरा यूनिवर्सिटी प्रशासन एक बात की जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि 750 वोटर आई कार्ड मिले हैं जो फर्जी थे पिछले दो महीने में, 750 वोटर आई कार्ड, वो लोग कौन थे, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड दान करके अंदर भेजा। बहुत कुछ जांच का विषय भी है, लेकिन बहुत अहम ये होता है कि इस विषय को समझना भी होगा, कांग्रेस मिलकर के समझना भी होगा। राजनीतिक पार्टियां अगर अपने लाभ के लिए सब कुछ कर रही है तो साथ उसका देना चाहिए जो सही है। अपने अपनी जगह सब सही है, अपने अपने तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर राजधानी हो या फिर देश का कोई दूसरा राज्य हो, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही जो देश देखना नहीं चाहता। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक एक्ट यहां पर बना, लेकिन जगह जगह कैसे रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से बवाल हो रहा है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही जो देश देखना नहीं चाहता है। अहम बात यह हो जाती है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो एक्ट को समझ नहीं रहे, जो ये नहीं समझ पा रहे कि इससे फायदा है या नुकसान है, लेकिन वो भी विरोध करने पर उतर आए हैं। और बड़ी बात यह कि आखिर किसकी शह यहां पर मिल रही है, आरोप किसी पर भी लगाया जाए कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए गए, राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अहम यह कि अमेंडमेंट एक्ट है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसी जरूरत होगी। इस तरह की तस्वीरें होने से और इस तरह से विरोध करने से देश का भला नहीं होने वाला है, कम से कम ये तो तय है। चलिए, सिक्स फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार।